तो दोस्तों, अगर आपने गलती से यहाँ पर रात चलते ब्रांड की एलईडी खरीद ली ना, तो थोड़ा टाइम बाद उसकी स्क्रीन में प्रॉब्लम आएगी, ऑपरेटिंग सिस्टम उसका क्रैश होने लग जाएगा और हो सकता है कि थोड़ा टाइम बाद तो वो चलना ही बंद हो जाए। और दोस्तों, ये मेरा कहना नहीं है, जिन लोगों ने भी यहाँ पे लोकल ब्रांड की एलईडी खरीदी ना, वो सब यहाँ पे परेशान है क्योंकि एलईडी उनकी खराब हो चुकी है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 बेस्ट एंड्रॉइड एलईडी 2023 की, जो 15,000 रुपए से कम में आपको मिल जाएगी। और इस वीडियो में मैं आपको जितनी भी एलईडी बताऊंगा ना, उनके अंदर सारी एप्लीकेशन काम करती है, सारी चीजें अपने को मिल जाएगी, इनफेक्ट थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी उनमें काम करेगी। तो दोस्तों, अपनी लिस्ट में जो फर्स्ट नंबर की एलईडी है, इसका नाम है OnePlus Y1। ये हाईली डिमांडेड और मोस्ट पॉपुलर एलईडी है हमेशा से। इस एलईडी की रेट यहाँ पे 15,000 रुपए है और इतनी महंगी की इसलिए है क्योंकि इसके अंदर अपने को 93% का कलर गारंटी मिल रहा है। इसके थ्रू अपने को ज्यादा पंची कलर मिलेंगे, HDR कंटेंट ये स्मूथली सपोर्ट कर देता है, कलर एक्यूरेसी काफी अच्छी हो जाती है क्योंकि 93% का कलर गारंटी है भाई इसके अंदर। तो एक्यूरेसी ऑब्वियसली यहाँ पे अच्छी होगी कलर की, और अपने को नेचुरल कलर यहाँ पे मिलेंगे, और ओवरऑल कलर और पिक्चर की जो क्वालिटी होती है ना, ये इसे एनहांस कर देता है। तो OnePlus की ये जो एलईडी है ना, ये इसी वजह से महंगी है क्योंकि इसके अंदर अपने को 93% का कलर गारंटी मिल रहा है, लेकिन इसके अंदर अपने को बेजललेस डिजाइन मिलेगी। ये एलेक्सा के साथ भी काम करती है, तो अगर आप फ्यूचर में कभी भी एलेक्सा का डिवाइस खरीदते हो ना, तो आप अपने आवाज से इसको कंट्रोल कर सकते हो। बस आप बोल दो एलईडी ऑन हो जाए, एलईडी बंद हो जाए, तो एलईडी आपकी वैसे ही काम करेगी। तो ये एलेक्सा के साथ भी ये कंफर्टेबल है। OnePlus की जो Y1 सीरीज है ना, इसके अंदर अपने को 1GB की रैम, 8GB की इंटरनल मेमोरी मिलती है। इसके अंदर अपने को HD रेजोल्यूशन का पैनल मिलता है। ये फुल HD भी नहीं है और 4K भी नहीं है, लेकिन OnePlus कंपनी अपने को इनडायरेक्टली बहुत बड़ा धोखा दे रही है भाई, जो कि OnePlus जैसा ब्रांड से मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि OnePlus भाई अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है इंडिया के अंदर, और वो अपने को अगर धोखा देगा तो अपना तो भाई विश्वास ही उड़ जाएगा अदर ब्रांड से। इस एलईडी के अंदर अपने को HD का पैनल मिलता है, यानी कि ये हाईएस्ट 720p पिक्सल को सपोर्ट करती है, लेकिन Amazon पे जाके जब आप डिस्क्रिप्शन में चेक करोगे ना, तो वहां पे लिखा हुआ है रेजोल्यूशन के आगे 8K। लेकिन दोस्तों, ये वाली जो एलईडी है ना OnePlus की, ये दूर से दूर तक 8K को सपोर्ट नहीं करती भाई। 8K की एलईडी यार 25-30 हज़ार रुपये से नीचे आती ही नहीं है, 15,000 में कैसे मिल जाएगी। तो कंपनी वाले अपने को इनडायरेक्टली धोखे में रख रहा है, लेकिन मैं हूं ना भाई, मैंने आपको सच्चाई बताई थी। और OnePlus की एक अच्छी बात यह है कि इसके अंदर अपने को खुद का ऑक्सीजन ओएस का UI मिल जाता है, जो ज़्यादा स्मूथली काम करता है अदर ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपेयर में। और मेरे दोस्तों, ये OnePlus की एलईडी है, और OnePlus यहाँ पे प्रीमियम क्वालिटी और एक लग्जरी ब्रांड की कैटेगरी में आ जाता है। अगर आपको एक ऐसी एलईडी ब्रांड चाहिए ना, जिसको आप 6-10 साल आराम से यूज कर सको, तो OnePlus उस मामले में बेस्ट है भाई। तो OnePlus की एलईडी को आप बाय कर सकते हो, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मेरा भाई, अगर एलईडी को खरीदना है ना, तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से ही खरीदना, ताकि वो एक्चुअल एलईडी आप खरीद सको जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मॉडल बहुत अलग अलग होते हैं हर ब्रांड के, तो आप गलत एलईडी नहीं खरीद लो, इसलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को इसी बात पर। और हमेशा की तरह आपको मैं एक ज्ञान की बात भी बता देता हूँ। देखो, आप कोई भी एलईडी अगर यहाँ पे खरीदते हो ना, तो इस बात का ध्यान रखना कि उसकी यहाँ पे रिफ्रेश रेट मिनिमम 60Hz होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे 50Hz का पैनल ले लेते हो ना, तो वो आगे जाके फ्लिकिंग करेगा और उसके अंदर यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होगी। तो आप किसी भी ब्रांड की एलईडी लेते हो, किसी भी इंच की एलईडी लेते हो ना, उसके अंदर 60Hz का पैनल होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। और अगर आपको पता नहीं है कि कैसे यहाँ पर पता करते हैं, तो कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। अब गाइस, अपनी लिस्ट में जो सेकंड नंबर की एलईडी है ना, ये बहुत तेजी से यहाँ पे पॉपुलर हो रही है, क्योंकि इस एलईडी की प्राइस तो यहाँ पे कम है, लेकिन फ्यूचर ये फ्लेक्सिबल लेवल के अपने को दे रही है। एक 20-25 हज़ार रुपए की एलईडी में जो अपने को फीचर और बेनिफिट मिल रहे ना, वो सेम बेनिफिट तो इस एलईडी में अपने को मिल रहा है। ये है अपना कोका ब्रांड की एलईडी टीवी, जिसकी प्राइस यहाँ पे 11,499 रुपए चल रही है। और दोस्तों, इस एलईडी ने तो मेरे होश उड़ा दिए, क्योंकि सिर्फ 11,500 रुपए में अपने को इसके अंदर IPS पैनल मिल रहा है। और जिन को यहाँ पे IPS पैनल के बारे में नहीं पता ना, तो मैं बता देता हूँ भाई, एक LED पैनल के कंपेयर में IPS पैनल ज्यादा बेटर होता है, बेस्ट पिक्चर क्वालिटी इसमें अपने को मिलेगी, और छोटी छोटी डिटेलिंग अपने को ज्यादा अच्छी तरीके से इसमें दिख जाती है। तो अगर आपको कोई भी LED यहाँ पे IPS पैनल के साथ मिल रही ना, तो उसको छोड़ना नहीं है, उसको खरीद लेना है। इस LED के अंदर अपने को Google TV का UI मिल रहा है, जो कि मार्केट में लेटेस्ट है। जितने भी यहाँ पे 2023 के अंदर मॉडल आ रहे हैं ना, उनके अंदर अपने को जनरली Google TV का इंटरफेस ही मिल रहा है। और भाई, बात यहीं खत्म नहीं हो रही है, ये LED अपने को इतने तगड़े फीचर दे रही है, जो मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर अपने को 1.5GB की रैम मिलेगी, 8GB की इंटरनल मेमोरी मिलेगी, Cortex A35 का प्रोसेसर है, 720p की IPS है, HD 60Hz का इसके अंदर पैनल है, और 20W के स्पीकर इसके अंदर यूज हुए हैं। तो दोस्तों, सिंपल सी बात है, अगर आपको एक ऐसी LED चाहिए ना, जो चलने में भी फास्ट हो और पिक्चर की क्वालिटी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़े, तो ये LED आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इसके अंदर अपने को परफॉर्मेंस और क्वालिटी दोनों मिल रही है, वो भी सिर्फ 11,500 रुपए में। तो मैं तो साफ साफ कह सकता हूँ कि ये LED अपनी वैल्यू फॉर मनी है, लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। इस LED की जो बिल्ड क्वालिटी ना, वो थोड़ी सी यहाँ पे अपने को एवरेज मिलेगी OnePlus के कंपेयर में। OnePlus की जो LED है ना, उनकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी ज्यादा हैवी मिलती है अपने को, इसकी थोड़ी सी यहाँ पे एवरेज है, लेकिन आप इसको कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि इसकी प्राइस भी तो कम है यार। और गाइस, आप में से काफी लोगों को ये बात पता ही नहीं होती है कि कितने रोम साइज के अकॉर्डिंग कितने इंच की LED खरीदनी चाहिए। तो ये जो चार्ट आपकी स्क्रीन
पे दिख रहा है ना, इसको अच्छे तरीके से देख लेना भाई वीडियो को पॉज करके। इसके अंदर साफ साफ बता रखा है कि एक बेस्ट रूम साइज के अकॉर्डिंग कितने इंच की एलईडी यहाँ पे बाय करनी चाहिए। ऑलराइट गाइस, अब अपनी लिस्ट में जो थर्ड नंबर की एलईडी ना, ये इतनी तेजी से इंडिया के अंदर पॉपुलर हो रही है और इसने बहुत ज्यादा हाइप बना रखी थी इंडिया के अंदर लॉन्च होने से पहले, ये है अपनी रेडमी की फायर टीवी वाली एलईडी। भाई इस एलईडी की चर्चा ना हर जगह है, मतलब हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है, क्योंकि रेडमी कंपनी और फायर टीवी कंपनी ने आपस में कोलैबोरेट करके इस एलईडी को यहाँ पे मार्केट में उतारा है और एक तरीके से सोच सकते हो कि ये उन दोनों कंपनी का बच्चा है। इस एलईडी के बारे में सिर्फ एक बात बोलूंगा भाई, हाई क्वालिटी मटेरियल, स्टडी बिल्ड और स्ट्रॉन्ग बॉडी। ये जो अपनी एलईडी है ना भाई, इसकी बॉडी, स्टैंड, रिमोट, फ्रेम, सारे कंपोनेंट की क्वालिटी सॉलिड है भाई, कहीं से कहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं अपने को आएगी। इस एलईडी के करंट में प्राइस यहाँ पे 11,499 रुपए चल रही है, पहले इसकी प्राइस 15,000 रुपए थी भाई, लेकिन अभी ये अपने को 11,500 रुपए में मिल जाएगी। और ये एलईडी देखो उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनको फायर टीवी का ओएस चाहिए, जिनको बिल्ड क्वालिटी के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए, और ऑब्वियसली रेडमी कंपनी ब्रांड भाई, फायर टीवी भी ब्रांड है, तो ऑब्वियसली क्वालिटी के मामले में तो सोचने वाली यहाँ पे बात नहीं है। लेकिन दोस्तों एक जरूरी बात मैं आपको बता दूं, इस एलईडी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बिना इंटरनेट के आप इस एलईडी को यूज ही नहीं कर सकते। हमारे एक सब्सक्राइबर ने एलईडी को अभी हाल ही में खरीदा था और उन्होंने मुझे कुछ फोटो भी दिए थे इंस्टाग्राम के ऊपर। देखो भाई आपका नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन आप कमेंट करके बता देना अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो। तो उन भाइयों ने मुझे बताया कि जब तक इसके अंदर अपन इंटरनेट कनेक्ट नहीं करते ना, तो जो एप्लीकेशन इसके अंदर पहले से इंस्टॉल है या फिर गेम को अपन ने डाउनलोड कर रखा है ना, वो चलते ही नहीं। तो बिना इंटरनेट के ये एलईडी आपके 1% काम नहीं आएगी भाई। तो आपके घर में अगर ब्रॉडबैंड है स्टेबल नेट का, तो ये एलईडी को बाय करना भाई, नहीं तो रहन देना यार, साफ बता रहा हूँ मैं आपको। ये जो अपनी एलईडी ना बेजल लेस डिजाइन के साथ आती है, वीबिट पिक्चर इसके अंदर मिलता है, और वीबिट पिक्चर इंजन जो होता है ना, बेसिकली इसका फायदा ये होता है कि डार्क एरिया को ये इनहेंस कर देता है, कलर को ऑप्टिमाइज कर देता है, और अपने को ओवरऑल बैलेंस से यहाँ पे कलर एक्यूरेसी मिलती है और डीप कंट्रास्ट को ये प्रोड्यूस करता है। तो भाई कहने का मतलब सिंपल है, जितने भी डार्क एरिया होते हैं ना, उसको ये इनहेंस करके अपने को अच्छी क्वालिटी दे देता है। बस अब ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है भाई, नहीं तो फिर वीडियो 1.5 घंटे की हो जाएगी, क्योंकि टॉपिक इतना बड़ा है वीवो इंजन का। इस एलईडी में 1GB रैम, 8GB इंटरनल मेमोरी, कोर्टेक्स A35 प्रोसेसर, HD रेजोल्यूशन 720p को सपोर्ट करता है, और 20W के इसके अंदर अपने को स्पीकर मिल जाएंगे, और Amazon पे इसकी रेटिंग 4.1 है, जो मेरे हिसाब से अच्छी है। और हाँ भाई, थर्ड नंबर पर अपना एक और ब्रांड है यहाँ पे ओनिडा, ये एलईडी आपको 12,000 रुपए में मिल जाएगी, और ये थोड़ी सी बेटर है क्योंकि इसके अंदर अपने को HDR10 का सपोर्ट मिलता है और 1.5GB की रैम मिलती है। तो अगर आप चाहो तो रेडमी की भी बाय कर सकते हो और ओनिडा की भी बाय कर सकते हो, दोनों एलईडी की बिल्ड क्वालिटी सॉलिड है। अब देखो यार, मैं अपनी वीडियो में सिर्फ बातें नहीं करता हूँ, कुछ आपको वैल्यू भी देता हूँ, और आप लोगों का इतना प्यार है कि आप लोग सपोर्ट भी करते हो मुझे, सब्सक्राइब कर देना इसी बात पे। तो देखो यार, मैं अपना थोड़ा सा डिटेल में आपको समझा देता हूँ, और जिन लोगों का ये बात नहीं सुननी ना भाई, वो आगे जा सकते हैं वीडियो में, लेकिन ये बात ना बहुत इंपॉर्टेंट है एक एलईडी खरीदने से पहले। देखो काफ़ी लोगों को ना यार इतना डिटेल में नॉलेज होती नहीं एलईडी के बारे में, और वो ना 4K करके एक एलईडी को खरीद के ले आते हैं। अब 4K एलईडी जनरली देखो महंगी भी आती है, और कुछ लोगों की तो वो काम ही नहीं आती। मैं समझाता हूँ कैसे। अब आपके अगर मान के चलो 4K एलईडी को खरीद के भी लेते हो, तो क्या आप सच में उसमें 4K कंटेंट एंजॉय कर सकते हो? मतलब ऑब्वियसली 4K क्वालिटी आपको जब भी मिलेगी ना, जब आप उसके अंदर 4K की वीडियो चलाओगे, मूवी चलाओगे। अब मान के चलो आप सेटअप बॉक्स यहाँ पे यूज़ कर रहे हो टाटा का या फिर डिश टीवी या एयरटेल का, तो उसके अंदर 4K चैनल तो अपने को मिलते ही नहीं है, उनके अंदर सिर्फ अपने को HD चैनल मिलते हैं। अब यहाँ पे बात घुमा फिरा के सिर्फ इतनी सी है भाई कि 4K एलईडी सिर्फ उन लोगों को खरीदनी चाहिए जिनके पास यहाँ पे 4K कंटेंट है देखने के लिए, क्योंकि Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स और अदर OTT एप्लीकेशन पे 4K कंटेंट ना भाई नाम मात्र के, मतलब बहुत ही कम है। तो अगर आप यहाँ पे 4K एलईडी खरीद के भी ले आते हो ना, तो उसके अंदर चलाओगे तो आप HD चीजें, तो भाई फिर 4K एलईडी का फायदा ही क्या? तो दोस्तों इस बात को समझना, मेरा फर्ज था आपको ये बात बताना, क्योंकि ये बातें ना कोई बताता नहीं, और खासकर ऑफलाइन मार्केट में तो भाई कोई भी नहीं बताएगा। लेकिन भाई मेरा काम है तो मैंने आपको बता दिया, तो इस बात पे एक छोटा सा लाइक तो कर ही सकते हो, आपकी मर्जी, करना हो तो कर देना, नहीं करना हो तो आगे चलते हैं अपन। अब गाइस अपने लिस्ट में जो फोर्थ नंबर की एलईडी ना, ऑब्वियसली इसका नाम आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, ये काफी पुराना ब्रांड है। देखो सनसुई कंपनी ना मार्केट में इतना अच्छा प्ले नहीं कर रही थी, लेकिन इसने वापस से मार्केट को कैप्चर करा है और बेस्ट स्पेसिफिकेशन और फीचर ये अपने को दे रही है। इस एलईडी में 1.5GB रैम, 8GB इंटरनल मेमोरी, 835 का प्रोसेसर, और ये एलईडी ना HD रेजोल्यूशन से थोड़ा सा ऊपर सपोर्ट करती है। ये अपनी एलईडी 768 पिक्सल को सपोर्ट करती है, 60Hz का इसके अंदर पैनल और 20W के स्पीकर इसके अंदर मिल जाएंगे। Amazon पे इसकी रेटिंग 3.8 है, थोड़ी कम रेटिंग है भाई, पता नहीं क्यों, लेकिन लोगों ने इसको इतना ज्यादा पसंद नहीं करा। और हाँ, ये एलईडी फ्री इंस्टॉलेशन के साथ भी आती है, तो ऑब्वियसली ये एक ऑप्शन भी आप कंसीडर करके चल सकते हो। लेकिन अपनी लिस्ट में जो फिफ्थ नंबर की एलईडी ना, इसके मामले में कोई सवाल नहीं उठेगा, मतलब आप कोई कमी निकाल नहीं सकते हो। ये है अपनी एसर ब्रांड की एलईडी। देखो एसर के जितने भी पहले प्रोडक्ट आते थे ना, वो सारे घटिया थे, मतलब मैं खुद कह रहा हूँ ये बात, लेकिन इसने मार्केट में कमबैक करा है और क्वालिटी के ऊपर अच्छा खासा ध्यान दिया है। इस एलईडी की प्राइस यहाँ पे सिर्फ 11,000 रुपए चल रही है, और ये एलईडी 11,000 रुपए में अपने को सब कुछ दे रही है,
मतलब लिटरली सब कुछ। जैसे कि इसके अंदर अपने को लेटेस्ट एंड्रॉइड 11 मिल रहा है, 24 वॉट के हाई बेस स्पीकर मिल रहा है, डुअल बैंड वाईफाई भी ये सपोर्ट करता है। और ये जो डुअल बैंड वाईफाई वाला सिस्टम है ना भाई, ये बड़ी बड़ी एलईडी भी सपोर्ट नहीं करती, कई बार आप जाके खुद चेक कर लेना। 64 बिट का इसके अंदर हाई लेवल का अपने को प्रोसेसर मिल रहा है और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन भी इसके कमाल की है। 1.5 GB की रैम, 8 GB की इंटरनल मेमोरी, कॉर्टेक्स A53 का प्रोसेसर इसमें आई थिंक होना चाहिए, 24 वॉट के स्पीकर है, एंड्रॉइड 11 पे काम करती है और A+ का 720p का पैनल इसके अंदर अपने को मिल जाएगा। अब ये एलईडी सिर्फ 11,000 रुपए की और जिस प्राइस में आती है ना भाई, ये अच्छी खासी वैल्यू और फीचर अपने को ऑफर कर रही है। देखो बिल्ड क्वालिटी तो इसकी अपने को एवरेज मिलेगी, इसकी पिक्चर क्वालिटी ऑसम है भाई, एक तरफा क्वालिटी मिलेगी, HDR10+ को ही सपोर्ट करता है और लो ब्लू फिल्टर भी इसके अंदर अपने को मिलता है। तो अगर आपके घर में एलईडी ज्यादा टाइम तक चलती है या फिर आप रात को ज्यादा यूज करते हो ना सोते वक्त एलईडी को, जो जनरली हर कोई करता है, तो ये एलईडी आपके लिए बेस्ट है। और दोस्तों सबसे कमाल की बात ये है कि इस एलईडी की सबसे ज्यादा रेटिंग है अमेज़न पे, इसकी रेटिंग यहाँ पे 4.4 है जो कि 1+ के एलईडी से भी ज्यादा है। तो जितने भी लोगों ने इस एलईडी को खरीदा है ना, सब यहाँ पे खुश है। तो ये थी अपनी टॉप 5 बेस्ट एलईडी 2023 की जो कि अंडर 15,000 की एलईडी है। अब मेरा क्या ओपिनियन है इन पांचों में से कौन सी एलईडी मुझे बेस्ट लगी, मैं आपको बता देता हूँ। देखो कोका एलईडी और रेडमी एलईडी मेरे हिसाब से बेस्ट है। अगर आपको एक एलईडी खरीदनी है ना, तो कोका और रेडमी एलईडी दोनों बेस्ट है अपनी जगह पे। एसर की भी आप खरीद सकते हो, ये थोड़ी मिड रेंज में आ जाती है, लेकिन देखो वन प्लस ऑब्वियसली वो एक अलग चीज है, वो प्रीमियम और लग्जरी कैटेगरी में आ जाता है और ये अपने मिड सेगमेंट की एलईडी है। तो कोका और रेडमी को ऑब्वियसली आप बाय कर सकते हो, और 15,000 रुपए का आपके पास बजट है तो वन प्लस को फिर आप आग बंद करके बाय कर लेना, क्योंकि उसमें कोई प्रॉब्लम जनरली आती नहीं इतनी जल्दी। अब देखो इन एलईडी से रिलेटेड कोई भी आपके दिमाग में क्वेश्चन हो या भी क्वेरी हो ना, तो मुझे कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई आपको कर दूंगा। तो मैं मिलता हूं आपसे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में एक नई एलईडी के साथ। मेरे पास एक नई एलईडी आई हुई है 4K की, तो बहुत जल्द उसका रिव्यू होने वाला है। तो मैं मिलता हूं आपसे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।